हेलो फ्रेंड्स, मैं जय उत्रानी। स्वागत करना हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्रानी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं रिडक्शन फॉर्मूले का पार्ट 8, जिसमें हम इंटीग्रल ओवर एक्स टू द पावर एन साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इंटीग्रल ओवर एक्स टू द पावर एन साइन ऑफ एम एक्स को आई से रिप्रेजेंट कर दिया है। इंटीग्रल था इसलिए इसको आई से मान दिया। अब आप आईलेट का रूल जानते हो, इंटीग्रेशन का, ILATE, इनवर्स लॉगरिथमिक एलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो देखिए ये एलजेब्रिक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। तो पहले हम एलजेब्रिक उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकेंड मानते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान कर लो कि ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन का ये फॉर्म होता है f1x मल्टीप्लाइड बाई f2x dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन f1x इंटीग्रल ओवर f2x dx माइनस इंटीग्रल ओवर ddx ऑफ f1x इंटीग्रल ओवर f2x dx फिर होल का इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूले का मैं यूज करूँगा, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एक्स पावर एन साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं हटा ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ओवर साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ओवर फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकेंड का इंटीग्रल साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन ऑफ एम एक्स है तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस एम एक्स अपॉन में एम, ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रल ओवर एक्स पावर एन का डिफ्रेंसिएशन एक्स टू द एन एक्स पावर एन माइनस वन एन एक्स पावर एन माइनस वन। फिर इसी तरह साइन ऑफ एम एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एम एक्स बाई एम माइनस कॉस एम एक्स अपॉन में एम, फिर ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, फिर एक्स टू द पावर एन, ये माइनस मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, अपॉन में एम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ कॉस ऑफ एम एक्स। ठीक है, माइनस, अब देखिए ये एम कॉन्स्टेंट है, ये एन कॉन्स्टेंट है, एन बाई एम को मैं एज ए कॉन्स्टेंट पार लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बना दिया, प्लस लिख दिया मैंने, ये क्या हो गया एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और फिर ये हो गया कॉस ऑफ एम एक्स डी एक्स। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए रिडक्शन फार्मूला होता क्या है। रिडक्शन फार्मूले में करते क्या है कि जो फॉर्मूला जिस टाइप का दिया हो, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इंटीग्रल ओवर साइन टू द पावर एन, सॉरी इंटीग्रल ओवर एक्स टू द पावर एन साइन ऑफ एम एक्स दिया था। ठीक है, तो जब इसका रिडक्शन फॉर्मूला हम निकालेंगे तो इसके जो पावर है या इस साइन का जो एंगल है, ठीक है, फॉर्म यही सिमिलर आना चाहिए और इसका समथिंग को डिक्रीजिंग फॉर्म आना चाहिए, है ना, फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, एक्स के पावर तो डिक्रीज की है लेकिन यहाँ पे कॉस है, मतलब मुझे इस टर्म को फिर से इंटीग्रेट करके रिड्यूस करना होगा। मतलब अब क्या करना होगा, अब मुझे इसमें फिर से फर्स्ट सेकेंड वाला रूल लगाना होगा। तो फिर ये एलजेब्रिक है, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लेंगे। ये वैल्यू थी क्या, ये वैल्यू मेरी आई की थी, तो ये याद रखिएगा आई को हम लेके चल रहे थे, आई इज इक्वल टू, और आई की वैल्यू क्या थी, एक्स टू द पावर एन साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स, ये माइंड में रखिएगा क्योंकि अगर सिमिलर फॉर्म आ जाएगा तो इधर उसको ट्रांसफर किया जाता है, माइनस ऑफ वन अपॉन एम एक्स टू द पावर एन कॉस ऑफ एम एक्स। ठीक है, ये हो गया प्लस एन अपॉन में एम हो गया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ओवर कॉस ऑफ एम एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ओवर डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स टू द पावर एन माइनस वन सेकेंड का इंटीग्रल कॉस ऑफ एम एक्स डी एक्स फिर होल का इंटीग्रल। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन में एम एक्स टू द पावर एन कॉस ऑफ एम एक्स, ठीक है, प्लस एन अपॉन में एम, ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब फ्रेंड्स इंटीग्रल ओवर कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, तो यहाँ कॉस एम एक्स है तो साइन एम एक्स बाई एम हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन
एम एक्स अपॉन में एम, ठीक है। अब देखिए ये माइनस, यहाँ मैंने माइनस लिख दिया है, ठीक है, इंटीग्रल ओवर, इसका डिफरेंशिएशन एन एक्स पावर एन माइनस वन वाले फॉर्म से हो जाएगा, तो एन एक्स पावर एन माइनस वन, माइनस वन माइनस टू हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट में माइनस टू लिख दे रहा हूँ, इसका फिर से वही हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन एम एक्स अपॉन में एम फिर एक डी एक्स ये वाला। अभी देखिए अभी मैंने इस कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई अंदर नहीं किया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन में एम एक्स टू द पावर एन कॉस ऑफ एम एक्स, फिर ये हो जाएगा, देखिए ये एक एम है ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एन अपॉन में एम स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे देखिए इंटीग्रल फ्री है, इसको मैं उस तरह लिख सकता हूँ, तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन ये हो गया साइन एम एक्स, ये माइनस और ये प्लस, माइनस आएगा और ये एम, तो ये हो गया प्लस एन एन माइनस वन अपॉन में एम स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे आपका इंटीग्रल में हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस टू साइन एम एक्स डी एक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हो कि अब ये जो हमारा फॉर्म आया इस फॉर्म में क्या हो रहा है, एक्स हम आई क्या लेके चले थे वो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, आई इज इक्वल टू लेके चले थे ना एक्स टू द पावर एन साइन एम एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इसी का रिडक्शन फॉर्म मतलब इसका समथिंग कुछ रिड्यूसिंग फॉर्म निकलना चाहिए हमें, है ना, ठीक है, और जो रिड्यूसिंग फॉर्म आएगा उसमें या तो इसका एंगल या तो ये एक्स का पावर दोनों में से कोई एक या दोनों रिड्यूस किया होगा और सिमिलर फॉर्म आना चाहिए, तो जब यहाँ पे जो मेरा इंटीग्रल आया है यहाँ पे एन एक्स टू एन माइनस टू है ना, दो टर्म उसमें रिड्यूस हुए हैं और साइन उसी तरह है, तो ठीक है ना, दोनों में से कोई एक रिड्यूस करता या दोनों रिड्यूस करते तो भी ठीक था, सिमिलर फॉर्म आना चाहिए इंटीग्रल में, सिमिलर फॉर्म आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे माइनस होगा है ना, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया था, ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स जैसे हमने इसका फॉर्मूला फाइंड आउट किया आई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स का, इसी तरीके से हम इसका सेम फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आइए इसका रिडक्शन फॉर्मूला इंटीग्रल वो एक्स टू पावर एन कॉस ऑफ एम एक्स डी एक्स का फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर, इसको हम क्या मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड कॉस ऑफ एम एक्स डी एक्स, थोड़ा लाइट दिख रहा है इससे तो ये मार्कर यूज करते हैं, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटीग्रल ओवर कॉस ऑफ एम एक्स डी एक्स होल का डी एक्स, ठीक है, होल का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब हो गया आई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो कॉस एम एक्स से साइन एम एक्स बाई एम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एम एक्स अपॉन में एम, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ओवर एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स पावर एन माइनस वन एन एक्स पावर एन माइनस वन, फिर कॉस का क्या हो जाएगा साइन एम एक्स अपॉन में एम, फिर ये हो गया डी एक्स, ठीक है, ये देखिए एम कांस्टेंट है एन कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रल के बाहर कर देते हैं, तो आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका वन अपॉन एम एक्स टू द पावर एन साइन एम एक्स माइनस एन अपॉन में एम, ठीक है, यहाँ तक इंटीग्रल ओवर एक्स टू द पावर एन माइनस वन साइन एम एक्स डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था, मुझे फाइंड आउट करना था कि इंटीग्रल ओवर एक्स टू द पावर एन कॉस ऑफ एम एक्स का रिडक्शन फॉर्म, ठीक है, सेम पिछले वाले की तरह के, क्योंकि हमें इसका रिडक्शन फॉर्म चाहिए, इसका सिमिलर फॉर्म आएगा, इसका रिड्यूसिंग फॉर्म आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग तो आया है लेकिन यहाँ कॉस था यहाँ साइन आ गया, तो मुझे इसको एक बार फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मान के, ठीक है, ट्राई करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा वन अपॉन में एम एक्स टू द पावर एन, ठीक है, ये हो गया साइन एम एक्स, ठीक है, ये हो गया माइनस एन अपॉन एम, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए इसका फर्स्ट सेकेंड मान के फिर से हम करेंगे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो ये हो जाएगा साइन एम एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ
टी डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स होल का डी एक्स मतलब होल का इंटीग्रल। ठीक है, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, इसको तो सेम जैसे उसी तरह उतार देंगे वन अपॉन एम, क्योंकि ये तो इंटीग्रल से फ्री है भाई, है ना। तो ये हो गया एक्स पावर एन, ये हो जाएगा साइन एम एक्स, ठीक है, माइनस एन अपॉन में एम, देखिए इसको मैं अभी बिग ब्रैकेट में ही लिखता हूँ, एक्स टू द पावर एन माइनस वन। साइन का क्या होता है, साइन का फिर वही है ना कॉस के टर्म में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना कॉस में, ठीक है। तो इसका माइनस कॉस ऑफ एम एक्स अपॉन में एम हो गया, ठीक है, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, माइनस इंटीग्रल का साइन है, इसका डिफ्रेंशिएशन एन एक्स पावर एन माइनस वन के फॉर्म से, एन एक्स पावर एन माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। इसका फिर वही माइनस कॉस ऑफ एम एक्स अपॉन में एम, ये हो जाएगा टी एक्स। एक चीज जो आपको एग्जाम में ध्यान देनी है, यहाँ पे साइन का बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, जैसे यहाँ पे माइनस आया फिर यहाँ माइनस आया है ना, फिर ये माइनस है, तो अब इस माइनस में इसका और इसका मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो एग्जाम में जब भी आप सॉल्व करोगे तो आप साइन को जरूर ध्यान देना, साइन को और जो कांस्टेंट टर्म हम बाहर निकाल के लिखते हैं उसको, कोई कोई रिडक्शन फॉर्मूला होता है बहुत लेंदे चला जाता है ना, उसमें साइन की थोड़ी कन्फ्यूजन, तीन चार ब्रैकेट आ जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो साइन और कॉन्स्टेंट है ना, उसको कॉमन लेके बाहर निकालना, कोई भी कॉन्स्टेंट छूटे ना, क्योंकि जैसे एन स्क्वायर आ रहा है वहाँ एन आ जाएगा तो फॉर्मूले में मिस्टेक आ जाएगी ना, ठीक है। तो साइन और कांस्टेंट इन दो चीज़ को आप ध्यान दे करके ध्यान से आराम से मल्टीप्लाई करके लिखना, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू वन अपॉन में एम एक्स टू द पावर एन माइनस वन साइन एम एक्स, ठीक है। ये देखिए ये हो गया माइनस मेरा, ठीक है, और ये माइनस स्किल मिल के क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये हो गया प्लस, ठीक है। ये n, ये m, ये m, m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया n अपॉन में m स्क्वायर x टू द पावर n माइनस वन कॉस ऑफ एम एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होता, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ फिर से माइनस आ गया, ठीक है। ये n, ये n माइनस वन, तो ये n हो गया, ये n माइनस वन हो गया अपॉन में ये एक m और एक ये m, m स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया m स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रल ओवर x टू द पावर n माइनस टू कॉस ऑफ m x dx, ठीक है। देखिए i का टर्म हमारा क्या था, i इक्वल टू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x टू द पावर n कॉस ऑफ m x dx, इसको साफ से लिख दो अगर नहीं नजर आता होगा तो, ठीक है, तो छोटा है ये था। और मुझे फॉर्म क्या चाह रहा था, इसी का रिड्यूसिंग फॉर्म है ना, रिडक्शन फॉर्म भाई, जो फॉर्म दिया है उसका रिड्यूसिंग फॉर्म और सेम फॉर्म है ना, इंटीग्रल में आया तो x पावर n था cos mx था, x पावर n माइनस टू cos mx आ गया। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, जो कि किसका, इंटीग्रल ओवर x पावर n cos ऑफ mx dx का रिडक्शन फॉर्म है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।